ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, होम पेज बनाया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ने हेडर बना लिया, मेनू बना लिया, और यहाँ पे हमने क्या बना लिया, फुटर बना लिया, ठीक है। तीन चीज़ हमने यहाँ पे बना लिया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे कॉन्टेक्ट में, ठीक है, कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे सारी फाइल्स बना लेते हैं, ठीक है, एक एक करके हम लोग सारी फाइल्स बना लेते हैं, ठीक है। अभी मैं इस फोल्डर में सिर्फ और सिर्फ होम पेज मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखेंगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। हम लोग इस होम पेज को कॉपी करेंगे, ठीक है, कॉपी किए और पेस्ट करेंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद हम लोग को यहाँ पे इस मेनू के हिसाब से नाम दे देना है। मैं इसका नाम दे रहा हूँ अबाउट, ठीक है, अबाउट ये मैंने नाम दे दिया। फिर एक बार पेस्ट करेंगे इसको, ठीक है। अब अगला क्या देंगे, सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज। अगला क्या है, बुक्स, ठीक है। मैं एक बार और पेस्ट करूंगा और इसका नाम दे दूंगा बुक्स, ठीक है, बुक्स मैंने दे दिया। एक बार और मैं पेस्ट करूंगा और इसको मैं क्या दे दूंगा, जर्नल्स, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार और पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मेंबर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, मेंबर REG मैं लिख देता हूँ, या फिर चलो इसको सिर्फ मेंबर रहने देते हैं। चलो मेंबर रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग यहाँ बना लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट के लिए भी हम लोग इसको एक बार पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मेनू के हिसाब से कितने पेज बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। ये होम, होम मतलब होम पेज, ये वाला, ठीक है, ये होम पेज। फिर उसके बाद आ गया अबाउट, फिर आ गया सर्विसेज, फिर आ गया बुक्स, फिर आ गया जर्नल्स, फिर आ गया मेंबर रजिस्ट्रेशन, फिर आ गया कॉन्टेक्ट। तो सारे पेजेस हम लोग ने यहाँ पे बना लिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसका कोड खोलूँगा। मैं एक कोई भी एक पेज का मैं कोड यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं होम पेज में था तो मैं होम पेज का कोड ओपन कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस मेनू पे आ जाते हैं। ये हमारा मेनू है, क्या है, मेनू, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मेनू, क्लोज हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ऐसा मैंने कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हैश लगाए हैं, ठीक है। हैश की जगह हम लोग क्या करेंगे, फाइल्स के हिसाब से हम लोग यहाँ पे इसका पेज का नेम दे देंगे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे होम पेज .html। हम लोग लिंक कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं हैश की जगह लिख दूंगा अबाउट डॉट html, ठीक है। फिर उससे सर्विसेज में क्या लिखूंगा, सर्विसेज डॉट html, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया स्पेलिंग, हम लोग को सही लिखना है। जो फाइल नेम यहाँ पे हम लोग दिए हैं सेम स्पेलिंग हम लोग यहाँ लिखेंगे तभी वो हम लोग को लिंक करके मिलेगा। अदरवाइज हम लोग अगर स्पेलिंग गलत करेंगे तो लिंक नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हैश लगाया और यहाँ पे हम लोग बुक्स डॉट एच टी एम एल हम लोग लिख लिए, ठीक है। हम लोग को सेव करते जाना है साथ साथ में, और उसके बाद यहाँ पे JOURNALS.html, ठीक है, journals.html हम लोग कर लिए। फिर उसके बाद मेंबर REG.html ऐसा हम लोग को लिख लेना है, ठीक है। फिर उसका लास्ट है कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो ऐसा हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ अभी होम पेज में एडिट किया है, मैं सारे पेज में एडिट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, ये नेविगेशन का कोड कॉपी कर लूंगा। इसको मैंने किया कॉपी, ठीक है, मैंने इसको किया कॉपी, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं होम पेज में था, ठीक है, होम पेज के बाद कौन सा पेज है,
अबाउट है, तो अबाउट को हम लोग एडिट कर लेंगे, ठीक है, अबाउट डॉट एच टी एम एल खुल गया, और यहां से पूरा इसमें रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, हम लोग क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए, सबका कोड सेम है यहाँ पे, तो हमने होम पेज से कॉपी किया और यहाँ पे लाके उसको रिप्लेस कर दिए, मतलब पेस्ट कर दिए, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सर्विसेज, तो सर्विसेज को मैंने एडिट किया, ठीक है, यह ये वाले एडिट में जाएंगे तो नोटपैड खुल जाएगा, इसमें मैं नोटपैड प्लस प्लस कर रहा हूँ, तो हम लोग का यहाँ भी हैश वाला कोड मिल रहा है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ये नेविगेशन टैग ओपन और क्लोज है, उसको सिलेक्ट करेंगे, इसको हटा देंगे, और यहाँ पे हम लोग को सिंपल सा पेस्ट कर देना है, ठीक है, तो ये मेनू यहाँ पे आ जाएगा। अगला क्या है, बुक्स है, बुक्स को भी मैं क्या करूँगा, एडिट करूँगा, और यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, डिलीट करूँगा, और यहाँ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, और सेव करते जाना है साथ साथ में हम लोग को, ठीक है। जब भी हम लोग कोड को एडिट करते हैं हम लोग सेव भी करते हैं, ठीक है, मैंने सेव कर दिया। नेक्स्ट क्या है, जर्नल्स, ठीक है, जर्नल्स में मैं राइट क्लिक किया, एडिट किया, और यहाँ पे नेविगेशन वाले टैग पे हम लोग चले गए, और यहाँ पे भी हम लोग पेस्ट कर दिए, ठीक है। अगला क्या है, मेंबर रजिस्ट्रेशन, तो मेंबर रजिस्ट्रेशन पे हम लोग गए, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे इसको। फिर उसके बाद लास्ट आ जाता है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट भी हम लोग एडिट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर दिए। अब मैं कोई भी एक पेज को रिफ्रेश करता हूँ, जैसे मैंने इस HTML पेज, जो हमारा होम पेज है, उसको मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पे, ठीक है, रिफ्रेश किया, तो हम लोग देख सकते हैं ये होम पेज है, बाकी सब एक्टिव हो गए हैं, ठीक है, ये लिंक क्या हो गया है, एक्टिव हो गया है, ठीक है, पहले पर्पल कलर का दिख रहा था, अब एक्चुअल ब्लू में आ गया है, ठीक है, और ये लिंक को हम लोग देख सकते हैं, अभी भी ये पर्पल कलर, क्योंकि एक बार विजिट हो चुका है, तो विजिटेड लिंक जो होता है वो पर्पल कलर में आता है, और जो एक्टिव लिंक होता है वो ब्लू कलर में आता है, ठीक है। अभी मैं अगर होम पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये होम पेज ही खुलेगा, ठीक है। अब मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ध्यान देना कि अबाउट डॉट एच टी एम एल खुल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे खुल गया अबाउट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। उसके बाद सर्विसेज पे जाते तो सर्विसेज डॉट एच टी एम एल खुल गया यहाँ पे, ठीक है। बुक्स पे क्लिक करेंगे तो बुक्स डॉट एच टी एम एल खुल गया, ठीक है। वैसे जर्नल्स पे क्लिक करेंगे तो जर्नल्स डॉट एच टी एम एल पेज खुल जाएगा। मेंबर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो मेंबर रजिस्ट्रेशन डॉट एच टी एम एल पेज खुल जाएगा। कॉन्टैक्ट करेंगे तो कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ने यहाँ पे कितने पेज बनाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो हमारे इस वेबसाइट में 7 वेब पेजेस है, ठीक है। कितने वेब पेजेस है इसमें, 7 वेब पेजेस है, ठीक है, 7 वेब पेजेस हम लोग ने बना लिया है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक वेबसाइट बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वेबसाइट हम लोग बोलते हैं। इसी प्रकार से और भी पेजेस बढ़ते जाएंगे तो ये वेबसाइट थोड़ी बड़ी होती जाएगी, सब चीज़ आपस में लिंक होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, सब चीज़ आपस में लिंक हो गया है, ठीक है। कोई भी पेज से हम लोग किसी भी पेज पे रीडायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पेज में सब कंटेंट सेम डाला हुआ है, तो मैं थोड़ा अलग अलग कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आता हूँ अबाउट डॉट एच टी एम एल में, और अबाउट में मैं यहाँ कोड में चेंज करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, ठीक है। कंटेंट में ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं अभी सिंपल सा लिख लूँगा H1, ठीक है, H1 में मैं यहाँ पे क्लोजिंग टैग लगाया, और यहाँ पे लिख दूंगा अबाउट अस, ठीक है, मैं इसको सेव कर दिया और यहाँ पे आया, और अबाउट अस जैसे ही मैं इसको खोलूंगा तो ये वाला हम लोग को मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग अबाउट अस में इस लाइब्रेरी के बारे में, या फिर जिस भी वेबसाइट के बारे में हम लोग बता रहे हैं, जो भी वेबसाइट हम लोग बना रहे हैं उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे लिखना है, ठीक है, या फिर आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनी है, ठीक है, जिसके लिए आप लोग अपने वेबसाइट बना रहे हैं, वही कंटेंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ कुछ भी कंटेंट नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, बस हम लोग पेज सेपरेट करने के लिए मैं यहाँ अबाउट अस लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट अस वाला पेज खुलेगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग अबाउट डॉट एच टी एम एल ओपन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद सर्विसेज में आ जाते हैं, सर्विसेज में भी अभी कॉमन कंटेंट जो होम पेज में दिख रहा था वही दिख रहा है,
तो मैं यहाँ पे सर्विसेस डॉट एच टी एम एल पेज खोलूँगा और यहाँ पे मैं सर्विसेस भी यहाँ पे कुछ कुछ हम लोग मेंशन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मैं यहाँ से सेम कॉपी करता हूँ फिलहाल, और यहाँ सर्विसेज में पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे सर्विसेज ठीक है। सर्विसेज हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, सर्विसेज पर क्लिक करेंगे तो सर्विसेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एचआर हम लोग का हट गया था, एचआर हम लोग यहाँ पे दे देंगे। फिर उसके बाद रिफ्रेश हम लोग कर दिए तो एचआर यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आ जाते हैं बुक्स पे। तो बुक्स पे हम लोग क्या करेंगे, बुक्स पे भी हम लोग राइट क्लिक करके एडिट कर लेंगे और यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ, इसको हटा देते हैं टेबल तक, और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे बुक्स अवेलेबल इन साई कॉलेज लाइब्रेरी। ठीक है, रिफ्रेश किया और यहाँ पे हम लोग बुक्स में चल जाएंगे तो ये आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बस कंटेंट चेंज करना है हम लोग को, बाकी सारा चीज सेम रहेगा। जर्नल्स में आ जाएंगे, जर्नल्स में भी हम लोग को सेम करना है। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, जर्नल्स में आ गए और यहाँ से हम लोग इसको हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि ठीक है टेबल तक तो हम लोग हटा दिए और यहाँ पेस्ट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ जर्नल्स लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया जर्नल्स अवेलेबल इन साई कॉलेज। ठीक है, फिर उसके बाद मेंबर रजिस्ट्रेशन। ठीक, मेंबर रजिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग सेम इसको कॉपी करते हैं, इसको कर देंगे कॉपी और मेंबर में आ जाते हैं। यहाँ पे भी हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे, इस एचआर से लेकर अगले एचआर तक पूरा चीज हटा देंगे टेबल। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे मेंबर रजिस्ट्रेशन हम लोग दे देते हैं। ठीक है, सिंपल सा ही बनेगा, बहुत ज्यादा तामझाम इसमें हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाकी एडिटिंग वाला काम हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि मेन कंटेंट हमारा यही सारी चीजें जरूरी है। तो मेंबर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे हम लोग फॉर्म बनाना पड़ेगा, तो फॉर्म भी हम लोग बनाएंगे। हमको पता है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनता है, तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे फॉर्म बना लेंगे। फिर अगला आता है कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट में भी यहाँ पे हम लोग दे देते हैं सेम, मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल में आता हूँ और यहाँ पे हम लोग सेम इसको हटाएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया और यहाँ के रिफ्रेश किया तो ये कॉन्टेक्ट अस हम लोग को मिल गया। तो अलग अलग वेब पेजेस के लिए अलग अलग, यहाँ होम पेज में हम लोग ने कंटेंट डाला है, अबाउट में अभी ये अबाउट अस सिर्फ लिखा हुआ है, सर्विसेज में सर्विसेज लिखा हुआ है, बुक्स में बुक्स लिखा हुआ है, जर्नल्स में जर्नल्स लिखा हुआ है, मेंबर रजिस्ट्रेशन मेंबर रजिस्ट्रेशन, कॉन्टैक्ट में ये सारी चीज। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस में फॉर्म रहेगा, मेंबर रजिस्ट्रेशन में भी एक फॉर्म होगा। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ पे क्या करना है कि होम पेज में क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले करना है वो आप लोग को पता करना है। ठीक है, अबाउट में आपके लाइब्रेरी के बारे में या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या फिर आप जिसके लिए भी वेबसाइट बना रहे हो उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। सर्विसेज में वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन और वो लाइब्रेरी या फिर जो भी हो वो क्या क्या सर्विस देती है उसके बारे में यहाँ पे बताना है। ठीक है, और हम लोग कोशिश करेंगे टेक्स्ट के साथ में यहाँ पे इमेज भी डालना है, इमेज के साथ में हम लोग टेबल भी डालेंगे, कुछ ना कुछ हम लोग डेटा जो है टेबुलर फॉर्म में भी हम लोग यहाँ पे डालेंगे। जैसे यहाँ पे हमने टेक्स्ट दिया है, ठीक है, और एक छोटा सा हम लोग टेबल यहाँ पे बना दिए, हम लोग यहाँ इमेज भी डाल सकते हैं।
ठीक है, इमेज भी हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इमेज डालोगे तो बहुत अच्छा दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके सर्विसेज में भी, सर्विसेज जो भी हम लोग यहाँ दे रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में पूरा पूरा हम लोग यहाँ पे लिस्ट करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग इस प्रकार से लिंक्स बना के भी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि कितना अच्छा आप लोग खुद अपने से डिजाइन यहाँ कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके जर्नल्स, जर्नल्स कौन कौन से अवेलेबल है लाइब्रेरी में ये पता कर लेना। और जो भी ये मेनूज जो है, जनरली जो भी वेबसाइट बनेगा सबके लिए अलग अलग बनेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई शॉप के लिए बना रहे तो वहाँ बुक्स और जनरल भी डाल दिए, ऐसा नहीं होगा। तो उसके हिसाब से अलग अलग बनेगा, ठीक है। मेंबर रजिस्ट्रेशन, कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ पे तीन चीजें सेम रहेगी, अब होम, अबाउट, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट, ठीक है। तीनों ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग को वेबसाइट तैयार करना है।